आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं लाती हूँ आपके लिए रियली इजी और सिंपल रेसिपीज़। आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ये स्पेनिश आमलेट है। स्पेनिश आमलेट बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये देखिए अंदर इसके चीज़ दिख रही है कितना यामी और मेल्टी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ मैं एक्स्ट्रा वेजीज यूज़ कर रही हूँ, अगर आपको वेजिटेबल्स पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। एक पैन में 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डाला, 2 चम्मच है सॉरी 3 बोल दिया, 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। उसमें 2 मीडियम साइज़ की पोटैटो, इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं जब तक ये सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा कुक भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको जस्ट थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए यानी कि 50-60% पक जाए। इसको पकते हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए। ये देखें पोटैटो थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी। अब इसमें मैं 1 कप चॉप्ड ऑनियन डाल दूंगी जो मैंने छोटी छोटी स्लाइस में काट दी है। जैसे ही ये थोड़ी हल्की सी पक जाए यानी इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए इसके बीच 1 कप कैबेज डाल देंगे जिसको मैंने छोटे छोटे साइज़ में काट लिया है। इन तीनों चीज़ों को तकरीबन 2-4 मिनट पकाएंगे। जैसे ही थोड़ा सॉफ्ट हो जाए इसको निकाल के किसी दूसरे बर्तन में डाल देंगे। जब तक ये ठंडा होएगा तब तक हम बाकी चीज़ें तैयार करते हैं। इसमें थोड़ा सा चुटकी भर ब्लैक पेपर और चुटकी भर नमक डाल दें। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक थोड़ा या ज़्यादा डाल सकते हैं। अभी इसका इंतज़ार करते हैं ठंडा होने का। तब तक यहाँ पे मैंने एक बोल रखा, इसमें 3 अदद अंडे, थोड़ी सी शिमला मिर्च, ऑल डिफरेंट कलर की हैं। अगर आप चाहें तो स्पेनिश आमलेट में आप ये शिमला मिर्च वगैरह स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा वेजीज हैं तो मैंने सोचा चलें डाल लेते हैं, बच्चे भी खा लेंगे और अच्छा भी लगेगा। स्पेनिश आमलेट में आप चीज़ भी स्किप कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से डालें या ना डालें। मैंने वैसे थोड़ी चीज़ भी डाली है। ये धनिया है, सब चीज़ों को मिक्स करते हैं। यहाँ पे जो हमने अभी आलू प्याज और कैबेज को पकाया था वो भी ठंडा हो चुका है, अब वो भी मैं इसमें डालने लगी हूँ। इसमें डाल के आप मिक्स कर लें। तो ये मिक्सर पे बीज डालेंगे, मिक्स करेंगे फिर इसको दोबारा से कुक करते हैं। देख लीजिएगा वेजेस ठंडी हों, अगर गरम डालेंगे तो अंडा यहाँ पे पक जाएगा। ये ले इसको मिक्स करें। जैसे ही मिक्स हो जाए ये कलरफुल बैटर तैयार हो गया है। अब इसमें 1/2 से 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर डाल लें। एक चम्मच तेल डाला है,
उसमें आधा बैटर अभी डालने लगी हूँ और आधा बैटर हम फिर डालेंगे दो स्टेप में। बिल्कुल लो हीट पे एक से दो मिनट तक पकाएं। अभी इसके ऊपर मैं चीज़ डालने लगी हूँ। अगर आपको चीज़ पसंद नहीं है तो आप स्किप कर दें। ये तकरीबन 3 से 4 चम्मच या आधा कप जैसे ही चीज़ डाल देंगे, फिर जो हमारे पास बचा हुआ बैटर है वो आप डाल दें। अभी ये जो बैटर रहता था मैं ये डालने लगी हूँ। मेरे पास थोड़ा सा ही था, चलें डाल दिया जो भी था। ये लें, अब इसको इसके ऊपर एक प्लेट रखें और पैन को भी केयरफुली फ्लिप कर दें, क्योंकि ये ऐसे फ्लिप नहीं होगा, टूट सकता है। इसलिए मैं इसके ऊपर एक प्लेट रखी और फिर इसको फ्लिप कर दिया। ये बन के तैयार है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। स्पेनिश आमलेट तैयार हो गया।